Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. I am Sanghamitra Ambasta and in today's video मैं आपको बताऊंगी कि कैसे अपने बालों को वुल्फ कट में काटना है बहुत ही इजी तरीके से. 50% वुल्फ कट, 50% बटरफ्लाई कट मिला के हमारा ये परफेक्ट हेयर कट रहेगा, ठीक है. अगर आपको अपने बाल ऐसे वुल्फ कट में चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, यू कैन क्लिक ऑन दैट और आप वीडियो पे जा सकते हो. मैं 3 महीने पहले मैंने अपने बालों को वुल्फ कट में ऐसा छोटा काटा था. तो वुल्फ कट में आगे छोटे और पीछे लंबे, वैसे वुल्फ कट में इस तरीके का चाहिए हेयर कट तो आप मेरा वीडियो वो भी देख सकते हो, मैंने 7 महीने पहले डाला था, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. तो आज मैं अपने बालों को बेसिकली क्या कर रही हूँ, जो मैंने काटा था 3 महीने पहले, अब उसका टेक्सचर कुछ खुल के पता नहीं चलता है, ऐसा शार्प नहीं लगता है, समझ जाओ ना, ये थोड़ा थोड़ा वापस से नॉर्मल होते जाए. तो मैंने 7 महीने पहले एक वीडियो डाला था जहाँ पे आप लोगों ने मुझे बोला था कि ये कपड़े काटने वाला कैची है, इससे बाल नहीं काटना चाहिए. बट मैं बचपन से इसी से काटते आ रही हूँ एंड आई डू नॉट हैव दैट बाल काटने वाला कैची सीजर्स, या बाल काटने वाला सीजर, तो इसलिए मैं इससे ही करूंगी और मुझे आई डू नॉट हैव अ चॉइस. ओके, और दूसरा अगर छोटे आगे बैंक्स काटने हो तो आई यूज दिस वन. तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए हुए सबसे पहले क्या करना है, इट इज वेरी इजी. बीच से मांग फाड़ो, मतलब इंग्लिश में बिल्कुल पार्टी करो, ठीक है, ऐसे. एंड देन ये ओ सॉरी, सबसे पहले ये बॉटल के अंदर मैंने पानी भरा है, तो पानी से बालों पे स्प्रे करना है और बालों को गीला करना है. मैंने जैसा आपको बताया, मैं अपने बालों को वापस से वुल्फ कट में कट करना चाहती हूँ, बट मैं नहीं चाहती हूँ मेरे बाल के जो अभी लेंथ है वो और छोटी हो. Also, मैं अपना वुल्फ कट पे अपने बालों को दोबारा से वुल्फ कट में कट कर रही हूँ, बट ना मैं अपने बालों की लेंथ को छोटी नहीं करना चाहती हूँ, ठीक है. ओके, मैंने पीछे वाले बालों को अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. मैंने अपने बालों में ऐसे मिडिल पार्टिंग किया है, देन अपने बालों को यहाँ से लाइन खींचकर आगे और पीछे डिवाइड कर दिया, ठीक है. देखो, आगे और पीछे अपने बालों को मैंने डिवाइड कर दिया है. पीछे वाले बालों मैंने चोटी बनाई है, उस चोटी को मैं कॉम्ब करूंगी और आगे लेके आऊंगी. अब चोटी को मैं कर रही हूँ थोड़ा गीला, इतना मैं बाल काटूंगी, ठीक है. If I compare the back with the front, तो आप देख सकते हो almost length same ही है and I want it to be little more short. एक पोनी बनेगी, जो आगे के बाल हैं उसकी पोनी. Yeah, तो देखो ये आगे ऐसे पोनी बनेगी और इसको बस मुझे रीसेट करना है और लेंथ छोटा नहीं करना है. तो मैं बस आप देख रहे हो कि ऐसे चोटी बना के बाल कट करने से क्या डिफरेंस आता है, ऊपर बाल छोटे हैं और नीचे जाते आते बाल लंबे हो गए. दिस इज द मैजिक ऑफ कटिंग योर हेयर, ऐसे पोनी बना के. मुझे खुद नहीं दिख रहा है या बारिश हो रही है और मैंने कल ही शैम्पू किया था, क्योंकि कल मैं वापस से ट्रैवल करूंगी सुबह सुबह, तो फिर मेरे बाल फ्रिजी हो जाएंगे. उसके बाद ऐसे बालों में पानी डालने की वजह से इतने बाल चिपचिपे लग रहे हैं मेरे, अभी मुझे बहुत इरिटेशन हो रहा है. ओके, हमारी यहां से बाल लिया आपने, ठीक है, दोनों साइड से इक्वल. एक मिनट, मुझे दिख नहीं रहा है. ऐसे बालों को मैंने ऐसे लिया है आगे से, ठीक है, दोनों साइड से मैंने आगे से ऐसे बाल लिया है एंड इसको ऐसे घुमाना है और मैं हो गया.
अब हमें बस लास्ट मुझे एक चीज करना बाकी है, जस्ट वन मोर थिंग। आगे जो मेरे एकदम एकदम कम कम बाल लेना है, ज्यादा बाल नहीं लेना है, जस्ट दिस मच। एंड एक बात मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब भी बैंग्स काट रहे हो लंबा काट लेना पर छोटा मत काटना। लाइक अगर आपको बैंग्स यहाँ तक चाहिए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कैची यहीं पे चला दोगे, डू यू अंडरस्टैंड? अगर आपको बाल यहाँ तक चाहिए तो कैची यहाँ चलाओ, नीचे चलाओ, ऊपर या एकदम इक्वल लेंथ में नहीं, क्योंकि बाल अभी मैंने खींचा है तो ये ऐसी है, जब ये सूख जाएगी तो ये ऐसे हो जाएगी थोड़ा, तो बहुत फिर वो आपका बॉयकट जैसा लगेगा, हॉरिबल। अब इसको वापस से मिडिल पार्टिंग जहां से मैंने की थी वहां से बाल को डिवाइड करो। ठीक है, ऐसे काटूंगी, फिर ये जाएगा ऐसे और जाएगा ये ऐसे, समझ आई आपको? ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, सेम इधर से भी मेरे बाल पहले जाएंगे इतना, फिर थोड़ा और छोटा, फिर थोड़ा या फुल भी पता नहीं चल रहा है, बट जस्ट लेट इट ड्राई एंड देन आई शो यू। टू बी ऑनेस्ट, एट दिस मोमेंट आई थॉट आई मेस्ड अप, क्योंकि मैंने अच्छे से बाल नहीं काटे हैं एंड आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ बैंग्स, पर मैं जब जोश जोश में बाल काट रही थी तो मैंने उतना सोचा नहीं और मैंने बैंग्स काट लिए बिकॉज आई वॉन्टेड समथिंग डिफरेंट। पहले से ही मैं वुल्फ कट काफ़ी टाइम से रख रही हूँ तो मुझे लगा बैंग्स में कुछ नया लुक आएगा, फिर जब मैंने कट कर लिया देन मुझे लगा ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है, फ़नी सा लग रहा है, बट फिर 5 दिन के बाद मैंने वापस से वीडियो ली है एंड यू गाइज टेल मी डिड आई मेस्ड अप या फिर इट टर्न आउट ग्रेट। और ये क्लिप जो मैंने ऐड किया है इसको आप लोगों को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, जितने पहले लेंथ है वो ज़्यादा बेटर लगता है। खुद समझ नहीं आ रहा है शायद मैं पागल हो गई तो मैंने ये कर लिया, बट इस क्लिप को मैंने ऐड इसलिए किया ताकि आपको बता सकूं कि जो रिजल्ट टर्न आउट किया है वो क्या क्या मैंने किया एग्जैक्टली तब जाके वो आया है, बट डू नॉट फॉलो दिस। ऑल्सो बाल काफ़ी गीले थे मेरे, बारिश का मौसम था, सूख नहीं रहा था, तो मैंने 5 दिन के बाद क्लिप लेना स्टार्ट किया है और आप देख सकते हो यहाँ तक मुझे लगा कि अच्छा इतना ख़राब नहीं लग रहा है, बट फिर बाल नहीं सूखे। नाउ सी 5 दिन बाद का क्लिप।